बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और बहुत रहम वाले हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान हो चुका है और ये लिस्ट मेरे साथ मौजूद है। इसके अलावा शेड्यूल भी आ चुकी है, उसकी लिस्ट भी मेरे साथ मौजूद है और इस तमाम डिटेल के साथ आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो 6 बैट्समैन पाकिस्तान ने पिक किए हैं, लिए गए हैं, स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा 3 विकेट कीपर जो है वो पाकिस्तानी टीम में शामिल किए हुए हैं। इसके अलावा 3 ऑलराउंडर और 6 फेसेस जो है वो पाकिस्तानी टीम ने शामिल किए हुए हैं। तो इसके हवाले से मुझे एक थोड़ा सा शक भी रहा और थोड़ा सा गिला भी रहा पाकिस्तानी टीम से कि कोई अच्छा सा स्पिनर जो है वो टीम में शामिल कर लेते हैं इन 6 बॉलरों में। इसके अलावा उसामा मीर है हमारे पास और भी बहुत सारे अच्छे स्पिनर्स है जो कि अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। उमर खान है जो कि कुछ पी से पहले वो काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, काफ़ी अच्छे स्पिनर है, उसको शामिल कर लेते हैं क्योंकि इंडिया के पिचेस जो है वो बहुत स्लो है, वहाँ पर जो स्पिन है वो बहुत अच्छा बॉलिंग कर लेता है जबकि फ्रेशर जो है उसको इतना रिस्पांस नहीं मिलता वहाँ पर। तो इसके हवाले से भी बात करेंगे कि पाकिस्तान ने क्यों इसे स्पिनर शामिल नहीं किए है। बैट्समैन में जो है वो कैप्टन जो है वो बबर अजम है। इसके अलावा फखर जमान ओपनिंग करेंगे, इमामुल हक है, अब्दुल्ला शफीक है, हारिस सुहेल है, उर्दिल शाह जो कि काफ़ी अच्छे हेडर भी साबित हो रहे हैं आजकल और काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, सरफराज अहमद और मोहम्मद हारिस जो कि काफ़ी पावरफुल है, हार्ड हिटर्स हैं। इसके अलावा ऑलराउंडर में शादाब खान, मोहम्मद नवाज, कामरान गुलाम शामिल हैं जबकि फेसेस में शाहीन शाफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, हसन अली और मोहम्मद हसनैन शामिल है। और ये जो है पाकिस्तान जो है वो 6 अक्टूबर को पहला मैच खेलेगा क्वालिफाई के साथ, वो खेलेगा हैदराबाद में। इसके हवाले से मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन थी, मैंने कल भी वीडियो बनाई थी, मुझे यकीन नहीं आया था लेकिन आज भी मैंने कंफर्म कर ली, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को इंडिया जाने की इजाज़त दे दी है। बाकायदा तौर पर अब पाकिस्तान जो है वो इंडिया जाएगा और वहाँ पर मैचेस खेलेगा, मुख्तलि डिफरेंट व्यू पॉइंट नहीं खेलेगा। जबकि एशिया कप जो है वो पहले है, वर्ल्ड कप से ICC वर्ल्ड कप जो है वो उससे पहले है, तो उसके लिए भारत के लिए डिफरेंट वीन्यू का इंतजाम किया हुआ है। श्रीलंका में खेले खेले जाएंगे, UAE में यहाँ से खेले जाएंगे, पता नहीं ये कौन से वीन्यू में, लेकिन पाकिस्तान में नहीं खेले जाएंगे। पाकिस्तान और भारत का मैच जो है एशिया कप में वो भी बाहर खेला जाएगा डिफरेंट वीन्यू पे। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इजाज़त क्यों दी इसके बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं है। अलबत्ता पाकिस्तान जाएगा इंडिया और वहाँ पर खेलेगा और 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी है, वो भी खेला जाएगा। तो इसके हवाले से मुझे बड़ी कन्फ्यूजन थी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि अभी पहले से इजाज़त देते, अगर इंडिया आ जाता और पाकिस्तान में मैचेस खेल जाते तो फिर पाकिस्तान को चाहिए था कि वहाँ पर मैचेस खेलते, लेकिन अभी उसे इजाज़त दी है। 6 अक्टूबर को पाकिस्तान क्वालिफायर मैच है हैदराबाद में। इसके अलावा 12 अक्टूबर को पाकिस्तान का मैच है क्वालिफाई के साथ हैदराबाद में। क्वालिफाई जो है वो भी श्रीलंका क्वालिफाई कर चुका है और नदरलैंड क्वालिफाई कर चुका है, ये दो टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया है 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में मैच खेला जाएगा। 20 अक्टूबर को पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का मैच है बेंगलुरु में और 23 अक्टूबर को पाकिस्तान वर्सेज अफगानिस्तान चेन्नई में और 27 अक्टूबर को पाकिस्तान वर्सेज साउथ अफ्रीका वो भी चेन्नई में है और इसके अलावा 31 अक्टूबर को पाकिस्तान का मैच है बांग्लादेश के साथ कोलकाता में और इसके अलावा 5 नवंबर को पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड बेंगलुरु में मैच खेला जाएगा और 12 नवंबर को पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड कोलकाता में ये मैच खेला जाएगा। तो ये दोस्तों ये थी कुछ अहम खबरें स्पोर्ट्स के हवाले से जो मैंने आपके साथ शेयर की। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बरवक़्त मिलती रहे। दोस्तों अभी तक इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगहबान।